हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ब्रेन सब क्लासेस। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 8 की मैथ, जिसमें पढ़ेंगे अपन एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड पार्ट। ठीक है, और इसमें अपन इसके क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है, जिसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक का सोल्यूशन दे रखा है, उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला है, ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, क्या करना है, इसको सोल्व करना है, और उसके बाद में सोल्व करने के बाद में जो आपका आंसर मिलेगा यानी जो आपको रिजल्ट मिलेगा, वो आपको इसमें चेक भी करना है कि अपना आंसर सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं, इक्वल लगाएंगे, ये यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 और यहाँ से लास्ट में प्लस का 7। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद में यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे अपन 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x। इन दोनों को अपन एड या सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, और इसमें वेरिएबल आ रहा है इसलिए इसको कुछ भी नहीं कर सकते। 7 में से 3 को सेपरेट करेंगे, कितना आएगा प्लस का 4। अब ट्रांसफर करते हैं वेरिएबल वाले वैल्यूज को एक तरफ और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको दूसरी तरफ। तो यहाँ लिखेंगे 8x, ये पॉजिटिव में इधर लेकर आएंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है 4 पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में था। ठीक है, इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस का 4 बन जाएगा। 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 5x इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना मिलेगा 0। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना आएगा 0/5, क्यों, क्योंकि ये दोनों किस में मल्टीप्लाई में, इधर जाने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, ये तो आ गया अपना इसका आंसर। अब इसका वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, LHS और RHS में जो अपने को x की वैल्यू मिली है वो पुट कर देंगे। ठीक है, तो वेरिफिकेशन किसके लिए कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 के लिए, क्या लिख देंगे, पुटिंग x इक्वल टू 0 इन द गिवन इक्वेशन, जो अपने को इक्वेशन दे रखी उसमें x के प्लेस पे 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे LHS और RHS दो साइड से अपने पास, तो सबसे पहले LHS में पुट करेंगे, LHS इज इक्वल टू 8x प्लस 4, x के प्लेस पे 0 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा अपने को 8 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 is equal to 0 plus 4 is equal to 4, इन इसका आंसर कितना आ गया 4 आ गया LHS का। RHS के लिए सॉल्व करते हैं, RHS is equal to 3 multiply x minus 1 plus 7, x के पहले इस पे 0 पुट करेंगे plus 7, यहां से आएगा 3 multiply by minus 1 plus 7 is equal to माइनस का 3 प्लस का 7 is equal to 4, यानी कि LHS और RHS की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे LHS और RHS इक्वल है, तो लास्ट में लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, x इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 10, तो ये डिवाइड में 5 लिखा हुआ है, इसको अपन इधर शिफ्ट कर देंगे तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 5x इज इक्वल टू 4 और x प्लस 10। ठीक है, यहां से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं किसको 4 को, तो यहां से लिखेंगे अपन 5x is equal to 4x plus 40, इसको मल्टीप्लाई किया 4x आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, x वाली वैल्यू को एक तरफ शिफ्ट कर देंगे, मतलब किसको इधर लेकर के आएंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 40, यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म नहीं थी अपने पास इसलिए उधर शिफ्ट नहीं किया। यहां से सॉल्व करते हैं, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा 1x, ठीक है, इज इक्वल टू 40, तो आंसर कितना आ गया याद है अपने पास। अब इसके लिए चेक करते हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन करेंगे, क्या लिखेंगे, पुटिंग x इक्वल इन द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां से लिखेंगे LHS, सबसे पहले LHS, LHS में लिखा हुआ है x और ये किसके इक्वल है 40 के इक्वल है। ठीक है, RHS की वैल्यू पुट करते हैं, RHS के लिए RHS क्या है अपने पास 4/5 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 10। ठीक है, x के पहले इस पे 40 लिखना है अपने को, यहां से लिखेंगे 4/5, यहाँ पे 40 प्लस 10, सोल्व करते हैं इसको तो 4/5, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 50, ब्रैकेट में 50, 5 से ये कैंसिल आउट हुआ 10 टाइम और 4 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 40, यानी कि LHS और RHS क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, क्या लिख देंगे, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, therefore x is equal to 40, therefore x equal 40
इज द राइट आंसर। जो हमने इक्वेशन दे रखी है उसके लिए ये एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 2x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। ठीक है, तो इसमें अपने को सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप चाहो तो एक्स वाली वैल्यू को इधर ला करके एलसीएम ले सकते हो, या फिर यहां से भी एलसीएम लेकर के सोल्व कर सकते हैं। तो अपन यहीं से एलसीएम लेकर के इसको सोल्व कर रहे हैं। तो यहां लिखेंगे 2x/3 प्लस 1 लिखा हुआ है, इस 1 को 1/1 लिख देते हैं, और यहां से 7x/15 प्लस 3 को 3/1 लिख देते हैं। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 3 आ जाएगा, यानी एलसीएम लिखा पहले 3। तो यहां से क्या लिखेंगे, 2x+3 और यहां से 7x+45 और एलसीएम कितना लिखा इसका, 15। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। आगे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इधर डिवाइड में है, इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इधर डिवाइड में, तो इधर आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाय 2x+3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 7x+45। ठीक है, क्यों किया ऐसा, ताकि अपने पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाए और अपन इसको सोल्व कर सके। इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म्स से, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 30x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 इक्वल टू 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 21x प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 15 कैरी लग जाएगा 1, 4 3 12 और 1 13, यानी कि 135। वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ और जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो यहां से देखेंगे 30x, ये पॉजिटिव में इधर आने के बाद नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल टू 135, ये प्लस में उधर जाने के बाद माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या लिख देंगे माइनस का 45। सॉल्व करते हैं इसको, 30 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा अपने पास में 9x इज इक्वल टू 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0, 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक कैरी लेंगे इधर से इस तरीके से, 135 था और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 45 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहां तो बचेगा 0, यहां पर 13 बन जाएगा और यहां 0, 13 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास में 9, यानी इसका आंसर आ जाएगा 90। अब यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, 90/9 इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, यहां से 10 आ गई। अब इसका वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो ये जो अपने को x की वैल्यू 10 मिली है इसको LHS और RHS में पुट कर देंगे। क्या लगेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 10 इन द गिवन इक्वेशन। सबसे पहले अपन LHS में x के पहले इस पर 10 लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा 20/3 प्लस 1/1 लिख देंगे, 1 को 1/1 लिख देंगे। ठीक है, LCM के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा 23/3। इसी तरीके से अपन x की वैल्यू 10 पुट करेंगे कहां पर, RHS में। ठीक है, तो अपने को क्या मिल जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 10/15 प्लस 3, इसको LCM से सॉल्व करेंगे कितना आएगा 23/3। ठीक है, यानी कि अपने पास यहां पर LHS और जो RHS मिल रहा है इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है तो इक्वल लिख देंगे। लास्ट में क्या लिख देंगे, hence x equal to 10 is the right answer, यानी कि जो अपने को x equal to 10 मिला है वो इस इक्वेशन के लिए इसका राइट सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 2y+5/3 is equal to 26/3 - y। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ और जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 3y आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 3 और यहां से आएगा 26 - 5। ठीक है, सॉल्व करने पे कितना मिलेगा, 21/3 विच इज 7। 3 को इधर शिफ्ट करेंगे, अभी किस में है, मल्टीप्लाई में, उधर जाने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि y का आंसर आया 7/3। ये तो आ गया अपना इसका आंसर। अब इस आंसर का वेरिफिकेशन करते हैं। तो क्या करेंगे, y की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे, LHS में पुट करेंगे, y के पहले इस पे लिखेंगे 7/3, तो यहां से y के पहले इस पे 7/3 लिख दिया, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 14/3 और यहां से 5/3, दोनों का एलसीएम 3 आएगा, तो ऊपर वाली वैल्यू को लिख देंगे और इसका आंसर कितना है 19/3, यानी कि LHS का आंसर मिला है 19/3। RHS में वैल्यू पुट करेंगे यहां पर y के पहले इस पे 7/3। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे, आंसर कितना मिला 19/3। इसका LHS और RHS इक्वल है, लिख देंगे लास्ट में LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर y इक्वल टू 7/3 इज द राइट आंसर। यानी कि जो y इक्वल टू 7/3 अपने को यहां पे वैल्यू मिली है वो इस इक्वेशन के लिए इसका राइट सॉल्यूशन है। ठीक है, यहां तक। अब इसका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, 3m इज इक्वल टू 5m - 8/5। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ लेकर के आएंगे। तो यहां पे लिखा हुआ है m वेरिएबल है यहां पे, यानी कि 3m, इसको इधर लेकर के आएंगे तो माइनस का 5m बन जाएगा क्योंकि यहां पर पॉजिटिव था। इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, माइनस का 8/5। ठीक है,
ये दोनों लाइक टर्म से, तो इनको अपन एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, थ्री में से फाइव को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टू एम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर बड़ी वैल्यू नेगेटिव ही है इसीलिए माइनस में टू एम आएगा, इक्वल टू माइनस का एट बाई फाइव। यहाँ पर भी एक ही टर्म से मल्टीप्लाई में आ रहा है और ये भी एक ही टर्म में है, ठीक है, तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से करेंगे एट बाई फाइव, तो अपन ने लिख दिया। ये जो टू है ये किसमें मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि इस तरीके से लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू पहले से ही अवेलेबल थी, इसलिए बीच में किसका साइन लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई का। यहां से इधर शिफ्ट किया तो डिवाइड हो गया, लेकिन एक वैल्यू पहले ही होने की वजह से वहां पे उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन अपन ने लगाया है। सोल्व करते हैं, यानी कि एम की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये कैंसिल आउट होगा फोर टाइम, तो आंसर आएगा फोर बाई फाइव, ये तो आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब इसका करते हैं अपन वेरिफिकेशन, उसके लिए क्या करेंगे, एम की वैल्यू फोर बाई फाइव एल एच एस और आर एच एस में पुट करेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे पुटिंग एम इक्वल टू फोर बाई फाइव इन द गिविन इक्वेशन, इन द गिविन इक्वेशन। सबसे पहले अपन एल एच एस में वैल्यू पुट करेंगे, एल एच एस क्या लिखा हुआ अपने पास में, थ्री एम के इक्वल है, यानी कि थ्री और मल्टीप्लाई, क्योंकि m क्या है वेरिएबल, 3 क्या है कांस्टेंट टर्म, दोनों के बीच में किसका साइन होता है मल्टीप्लाई का। m के पहले पे 4 बाई 5 लिख देते हैं, ये 4 बाई 5 लिख दिया, इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12 अपॉन 5, यानी कि LHS का आंसर कितना मिला 12 अपॉन 5। इसी तरीके से अपन इसका RHS सॉल्व करेंगे, RHS इक्वल टू, तो RHS की वैल्यू क्या लिखी हुई यहाँ पे 5m माइनस 8 बाई 5, और m की वैल्यू क्या थी वो पुट कर देंगे, एम के पहले इसमें लिखा हुआ है 4 बाई 5, ठीक है 4 बाई 5 माइनस 8 बाई 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, यहां से कितना आएगा 4 बाई 1 और यहां से माइनस 8 बाई 5। दोनों को सोल्व करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेते हैं इसका, कितना आएगा एलसीएम 5, ठीक है 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 20, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 8, माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 12 अपॉन 5, यानी इसका LHS और RHS क्या है इक्वल है, ठीक है। लास्ट में लिख देंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS देयरफॉर M इक्वल टू, देयरफॉर M इक्वल टू 4 बाई 5 इज द राइट आंसर, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन इसके एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।